नमस्कार कहती हूँ। और ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बुलाई है कि आम आदमी पार्टी के हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया है। लगातार संजय सिंह जो है जनता की आवाज़ बनकर उभरे हुए हैं, जनता के मुद्दों को उन्होंने उठाया है, गरीबों मजलूमों की आवाज़ को उठाया है, बेरोजगारों की आवाज़ को उठाया है। ये सारी बातें सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है उन पर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर छापा डाला गया। पूरे दिन जब रेड चली है तो छापे में कुछ भी नहीं मिला, उसके बाद भी उन्हें हिरासत में लेने और रिमांड पे लेने का क्या मतलब है। जब किसी ऐसे महत्वपूर्ण मामले में अगर कोई सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। आप जांच करा सकते हो, आप जांच कराइए, अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तब तो आप आगे बढ़िए, नहीं सबूत तो उसको आपको वहीं पर क्लोज करना चाहिए। मगर नहीं, जबरन उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट से रिमांड मांग कर उन्होंने रिमांड पे, जबकि इन्होंने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने फिर भी इनको 10 दिन की रिमांड नहीं दी है, 5 दिन की रिमांड दी है। तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी सरकार चला रही है, यानी कि आप जनता के मुद्दों पर बोलेंगे, जनता के लिए आवाज उठाएंगे, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी अपना मैसेज जनता में दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरह से रुकने वाली पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हम इस तरह CBI ED की से डरा कर लोगों को ये आवाज़ रुक जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है और जनता के लिए लड़ाई लड़ने की पार्टी है। हम जनता के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। अगर यही काम सरकार खुद कर दे कि जनता को उसके अधिकार दे दे, तो आम आदमी पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश में इसी सरकार से काम चलता रहेगा, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हम इन चीज़ों का डर दिखाकर लोगों में एक दहशत का माहौल पूरे देश में क्रिएट किया जा रहा है कि आदमी डर जाए। और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी पे नहीं, ये हमला प्रेस के ऊपर भी लगातार कर रहे हैं, मीडिया वालों के ऊपर भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? केवल दहशत फैलाकर आप जनता का वोट बटोर लेंगे? बिल्कुल नहीं। ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, 140 करोड़ लोगों में आप दहशत से वोट नहीं ले सकते हैं। आने वाले चुनावों में ये जनता इस दहशत का जवाब आपको 2024 के चुनाव में अवश्य देगी। आप देख रहे हैं 3 लीडर्स आम आदमी पार्टी के जेल जा चुके हैं और तीनों एक ही घोटाले का इन्होंने नाम लिया है। एक जिस घोटाले का सिर है ना पैर है ना, आज तक जनता को ये समझ में आया है कि आखिर घोटाला है क्या। आप आम जनमानस में जो बातें होती हैं, लोग यही चर्चा करते हैं कि आखिर घोटाला है क्या। बीजेपी में नेता भ्रष्ट है, घोटाला कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। तो इस तरह से एक पक्षपात पूर्ण तरीके से सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है, जिसका कि जनता भी विरोध कर रही है। जनता में इस बात को लेकर तमाम आक्रोश फैला हुआ है, क्योंकि लगातार संजय सिंह जनता की आवाज़ बनकर उभरे हैं। उन्होंने जनता के जिस तरह से मुद्दे उठाए हैं, उनकी जनता के बीच में लोकप्रियता बहुत बढ़ी है, जिसकी वजह से उनको जेल जाने की वजह से उनको सीबीआई ने हिरासत में लिया है। जनता बेहद नाराज है और ये नाराजगी आप आने वाले चुनाव 2024 में जनता की नाराजगी का भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ेगा। क्या आप इसका विरोध किस तरह से करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने संवैधानिक तरीके से विरोध करती है। हम कोई भी संविधान विरोध प्रदर्शन अपना संविधान से बाहर नहीं करते। हम इसको शांतिपूर्ण ढंग से अपनी प्रेस के माध्यम से जनता तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लीडर्स अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, बिना कसूर के वो जेल जा रहे हैं, क्योंकि वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, ये उनका कसूर है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में ऐसे स्कूल बनाए जिनकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही, ये बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उनको जबरन घोटाला करके उनको हिरासत में ले लिया और जेल में डाल दिया। आज 10 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद मनीष सिसोदिया अभी जेल से बाहर नहीं हुआ। लेकिन
हम सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट न्यायिक कार्यवाही करते हुए सभी आम आदमी पार्टी के नेता निर्दोष साबित हो। किसी कारणवश हो सकता है जिला अध्यक्ष मगर देखिए ये जिम्मेदारी ऊपर से मुझे आदेशित हुई है कि आप एक प्रेस वार्ता बुलाकर मैंने उसको दिया है। जिलाध्यक्ष जी को जैसा निर्देश दिया जाएगा जिलाध्यक्ष जी वैसा निर्देश का पालन करेंगे। और ये तो सभी पार्टी होता है, कुछ सक्रिय होते हैं, कुछ कम सक्रिय होते हैं, कुछ ज़्यादा सक्रिय होते हैं, कुछ सक्रिय होते हैं। तो इसमें कोई ज्ञापन वगैरह भी देंगे बीच में भी कुछ इस मामले में सरकार राष्ट्रपति वगैरह किसी को पार्टी की अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं।